दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक्शन और इमोशन से भरी एक कोरियन ज़ॉम्बी मूवी को। ये कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के दौरान बुसान जा रही ट्रेन में फंस जाते हैं और उनकी ट्रेन के अंदर भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब ये सब लोग किस तरह अपनी जान बचाएंगे, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था, तभी उसके ट्रक से एक हिरण टकरा जाता है। ड्राइवर बाहर आकर देखता है कि यह हिरण तो मर चुका है, इसीलिए वो उसे यहीं पड़ा छोड़कर चला जाता है। लेकिन तभी वो हिरण दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि ये हिरण यहाँ फैले ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। अब इसके बाद हम सियोक वू को देखते हैं जो कि एक फंड मैनेजर है। सियोक अपना ज्यादा समय काम में बिताता है जिस वजह से उसकी वाइफ ने उसे डाइवोर्स दे दिया था और अब सियोक अपनी वाइफ से अपनी बेटी स्वान की कस्टडी लेने के लिए लड़ रहा है। अब कल ही उसकी बेटी स्वान का बर्थडे भी होता है, इसलिए सियोक स्वान के लिए एक गिफ्ट लेकर घर जाता है। घर में सियोक की मॉम भी होती है। सियोक अपनी बेटी स्वान के पास आता है और उसे वो गिफ्ट देता है, लेकिन उसकी बेटी उस गिफ्ट को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि इसी के जैसा सेम गिफ्ट सियोक ने उसे पहले भी दिया था, लेकिन सियोक को ये बात याद भी नहीं थी। सियोक भी ये देखकर थोड़ा शर्मिंदा होता है और स्वान से पूछता है कि मुझे बताओ ऐसा क्या है जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। स्वान कहती है कि मुझे मॉम से मिलने बुसान जाना है। स्वान अपनी मॉम से कई दिनों से मिलना चाहती थी, लेकिन काम की वजह से सियोक उसे बुसान नहीं ले जा पा रहा था, लेकिन अब उसके बर्थडे पर सियोक उसे उसकी मॉम के पास ले जाने के लिए मान जाता है। फिर सियोक की मॉम सियोक को स्वान की स्कूल फंक्शन की एक वीडियो दिखाती हैं और बताती हैं कि स्वान दुखी थी तुम वहां नहीं आ पाए। सियोक स्वान की उस वीडियो को देखता है जिसमें स्वान बीच में ही गाना भूल गई थी। अब ये सब देखकर सियोक स्वान को उसकी मॉम के पास बुसान ले जाने लगता है। ये लोग बुसान जाने वाली ट्रेन में चढ़ते हैं। यहाँ कई सारे और भी लोग होते हैं। यहाँ हम एक बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जिनमें एक लड़की जिन्ही जो कि इनकी चीयर लीडर थी वो अपने बॉयफ्रेंड योंग के पास आकर बैठ जाती है। यही हम दो ओल्ड सिस्टर्स को देखते हैं जो कि साथ में कहीं जा रही थीं। इसी ट्रेन में संगुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संकयोंग भी होते हैं। अब तभी एक लड़की सबकी नजरों से बचती हुई इस ट्रेन में चढ़ जाती है। इसके बाद ट्रेन चलने लगती है और हम देखते हैं कि उस लड़की को किसी ने काट लिया है जिस वजह से वो ज़ॉम्बी बन रही है। यहाँ ट्रेन चलने लगी थी और तभी इन्हें एक आदमी वॉशरूम में छुपा हुआ मिलता है जो कि कह रहा था कि सब मर गए। वो आदमी यहाँ पर किसी की भी बात नहीं सुनता। स्वान उठकर वॉशरूम जाने लगती है। इधर वही लड़की नीचे गिर जाती है, तभी इस ट्रेन की अटेंडेंट उसे देख लेती है, लेकिन वो लड़की ज़ॉम्बी बनकर उस अटेंडेंट के काट लेती है और दूसरे लोगों पर भी हमला कर देती है। वो अटेंडेंट भी अब ज़ॉम्बी बनकर बेसबॉल टीम प्लेयर्स पर हमला कर देती है। ट्रेन के इस पूरे कंपार्टमेंट में भगदड़ मच जाती है। लोग ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं। तभी सियोक नींद से जागता है और देखता है कि स्वान उसके पास नहीं है। सियोक स्वान को देखने आगे जाता है। इसी दौरान सभी पैसेंजर्स देखते हैं कि बाहर शहर में दंगे हो रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को मार रहे हैं। अब यहाँ सियोक अपनी बेटी को देखने आगे जाता है, तभी उसे ज़ॉम्बी बने वही सारे लोग दिखते हैं। पीछे से स्वान भी वॉशरूम से बाहर आकर ये सब देख लेती है। सियोक ये सब देखकर अपनी बेटी को उठाकर भागता है और अपने कंपार्टमेंट में आकर तुरंत ही दरवाजे को बंद कर देता है। तभी पीछे से संगुआ अपनी वाइफ के साथ भागता हुआ आता है। सियोक दरवाजा खोलकर उन्हें भी कंपार्टमेंट में ले लेता है। ये लोग देखते हैं कि ये सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। संगुआ की वाइफ पानी से न्यूज़पेपर्स को वहां लगा देती है जिससे ज़ॉम्बी अब इन्हें नहीं देख पाते और शांत हो जाते हैं। ये सब लोग घबरा जाते हैं। तभी ट्रेन का ड्राइवर इन्हें बताता है कि हादसों की वजह से अब ये ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। तभी एक आदमी ये सुनकर ड्राइवर से कहता है कि हमारे पीछे के कंपार्टमेंट में लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को मार रहे हैं, इसीलिए तुम्हें इस ट्रेन को इसी स्टेशन पर रोकना होगा। लेकिन ड्राइवर कहता है कि कंट्रोल रूम से मुझे ऑर्डर मिले हैं, इसीलिए मैं इस ट्रेन को नहीं रोक सकता। अब इसके बाद सब लोग वापस अपनी सीट पर बैठने लगते हैं। तभी सियोक के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और उसकी मॉम को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो फोन पर बात करते हुए ही ज़ॉम्बी बन जाती हैं। सियोक को काफी दुख होता है। तभी चलती हुई ट्रेन से ये सब बाहर देखते हैं जहाँ सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और पूरा शहर तबाह हो रहा था। नेता बस टीवी पर आकर भाषण दे रहे थे और शहर में लोग मरते जा रहे थे। अब कुछ समय बाद सभी लोग इस कंपार्टमेंट से आगे जाने लगते हैं। तभी ड्राइवर इन्हें बताता है कि यह ट्रेन डाइजियन स्टेशन पर रुक जाएगी और सभी पैसेंजर्स वहां उतर जाएं। वहां मिलिट्री आ चुकी है जो कि आपको रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन ये सब सुनकर सियोक अपने एक आदमी से फोन करके पूछता है कि क्या डाइजियन स्टेशन सेफ है। इस पर वो आदमी सियोक को बताता है कि वहां आर्मी तो पहुंच चुकी है, लेकिन स्टेशन पर उतरते ही सारे पैसेंजर्स को क्वारंटीन कैंप में डाल दिया जाएगा, इसलिए तुम दूसरे रास्ते से निकल जाना। वहां तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हें रेस्क्यू कर लेगा। अब ये सब जानने के बाद जब ट्रेन डाइजियन स्टेशन पर पहुंचती है तो ये सब देखते हैं कि पूरा स्टेशन तो खाली पड़ा है। सभी लोग डरते हुए नीचे उतरते हैं। वही आदमी कैप्टन से कहता है कि ये जगह खतरनाक है, हमें बुसान ले चलो। लेकिन कैप्टन कहता है कि मुझे ऐसा करना अलाउड नहीं है। ये आदमी कहता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ भी वायरस फैल चुका है, इसलिए हमें बताओ मिलिट्री कहाँ है। इस पर कैप्टन कहते हैं कि मिलिट्री यहीं कहीं होगी।
अब ये सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सियोक को पता था कि पैसेंजर्स को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, इसीलिए वो सबसे अलग दूसरे रास्ते से जाने लगता है। लेकिन उसी आदमी ने सियोक की बातें सुन ली थी, इसीलिए वो भी इनके पीछे आता है। सियोक अपनी बेटी को यहीं रुकने के लिए कहता है और आगे चेक करने जाता है, तभी उसे एक आदमी दिखता है। लेकिन उस आदमी के पीछे कई सारे ज़ॉम्बी पड़े थे और इधर दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, जिसके बाद वो भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। अब वो सारे ज़ॉम्बी सभी पैसेंजर्स पर हमला कर देते हैं, सभी लोग वापस भागते हैं। इधर सियोक भी अपनी बेटी स्वान की तरफ भागता है, उस पर एक ज़ॉम्बी हमला करने वाला था, लेकिन तभी संगुआ आकर उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है। संगुआ की वाइफ संग्योंग स्वान को बचाकर ले जाती है। इधर सियोक पर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, सियोक उस ज़ॉम्बी को रोकता है। यहीं उस बेसबॉल टीम के प्लेयर्स दूसरी तरफ जाकर सबको वहां बुलाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी संगुआ देखता है कि सियोक तो वहीं रह गया, वो सियोक को भी अपनी तरफ बुलाता है और फिर ये सब दरवाजे को बंद करने लगते हैं। लेकिन कई सारे ज़ॉम्बीज उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर बचे हुए लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं, इसी दौरान और ज़ॉम्बीज भी नीचे आ जाते हैं। भगदड़ के बीच वही दोनों ओल्ड सिस्टर्स अलग हो जाती हैं, जिन्हें और एक ट्रेन अटेंडेंट एक औरत को बचाकर अपने कंपार्टमेंट में ले आते हैं और इधर उनकी बहन को स्वान और संग्योंग दूसरे कंपार्टमेंट में ले आते हैं। वही अजीब आदमी भी इनके साथ उसी कंपार्टमेंट में आ जाता है। इधर वही मतलबी आदमी अटेंडेंट से कहता है कि अपने कैप्टन से कहो कि हमें यहाँ से ले चलें। ये सुनकर जिन्ही कहती है कि मेरे दोस्त अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, लेकिन ये आदमी किसी की भी बात नहीं मानता और कहता है कि अगर हम यहीं रुके तो हम सब भी मारे जाएंगे। ये सुनकर वो अटेंडेंट कैप्टन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद कैप्टन ट्रेन को यहाँ से आगे बढ़ाने लगते हैं। इधर सियोक संगुआ और बाकी सभी ज़ॉम्बीज को रोक रहे थे, लेकिन अब वो गेट टूटने लगता है। ये सब लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं, ज़ॉम्बीज भी इनके पीछे पड़ जाते हैं। सियोक संगुआ और योंग तीनों बचकर भागते हुए ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं और फिर ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में आकर बच जाते हैं। इधर कैप्टन कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट करके पूछते हैं कि क्या बुसान सेफ है। इस पर वो बताते हैं कि हाँ बुसान सेफ है, इसलिए तुम वहीं चले जाओ। इसके बाद कैप्टन ट्रेन को बुसान शहर में ले जाने लगते हैं। यहीं संग्योंग स्वान और बाकी दोनों देखते हैं कि यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज हैं। ये लोग वॉशरूम में छुपने जाने लगते हैं, तभी एक ज़ॉम्बी इन्हें देख लेता है। ये लोग वॉशरूम में जाकर गेट को बंद करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। इधर योंग अपनी दोस्त जिनी को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो भी ठीक है और ट्रेन में चढ़ चुका है। यहीं संगुआ अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन कॉल सुआन उठाती है। वो संगुआ को बताती है कि हम ट्रेन के कंपार्टमेंट नंबर 13 में हैं और हम वॉशरूम में फंसे हुए हैं और ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब जानकर सियोक संगुआ और योंग उन्हें बचाने आगे कंपार्टमेंट में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन आगे के कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बी थे, इसीलिए वो डरने लगते हैं कि हम सब वापस कैसे आएंगे। इस पर योंग कहता है कि मैंने अपनी दोस्त से बात की है और बचे हुए लोग कंपार्टमेंट नंबर 15 में हैं, जो कि बिल्कुल सेफ है। अब ये जानकर ये तीनों ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए आगे के कंपार्टमेंट में जाने लगते हैं। ये लोग दूसरे कंपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन इसमें योंग के दोस्त थे, जिस वजह से वो उन्हें नहीं मार पाता। सियोक और संगुआ उन्हें मारते हैं। तभी ट्रेन एक टनल से होकर गुजरती है, जिससे पूरे कंपार्टमेंट में अंधेरा हो जाता है, इससे ज़ॉम्बीज इन्हें नहीं देख पाते। तभी एक बैग से बॉल नीचे गिरती हैं और ज़ॉम्बीज आवाज़ सुनकर उधर जाने लगते हैं। सियोक समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज को अंधेरे में नहीं दिखता और ये लोग आवाज़ का पीछा करते हैं। मौके का फायदा उठाकर ये तीनों अगले कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। ट्रेन टनल से बाहर आ जाती है, तभी सियोक देखता है कि आगे भी ज़ॉम्बीज हैं। सियोक संगुआ से उसका फ़ोन लेता है। तभी ट्रेन एक और टनल से होकर गुजरती है, ये लोग कंपार्टमेंट के अंदर आते हैं। सियोक संगुआ का फोन दूर फेंक कर उस पर कॉल करता है और रिंगटोन की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उधर भाग जाते हैं। संगुआ वॉशरूम के पास आकर दरवाज़ा खोलता है और संग्योंग देखती है कि संगुआ बिल्कुल ठीक है। सियोक भी अपनी बेटी को देखकर काफ़ी खुश होता है। तभी ट्रेन टनल को पार कर जाती है, ये लोग भी ज़ॉम्बी से बचकर दूसरे वॉशरूम में छुप जाते हैं। सियोक अपने फ़ोन में मैप में देखता है कि इस रास्ते में अगला टनल 2 मिनट में आएगा और अगर हम तब नहीं निकले तो फिर अगला टनल काफ़ी दूर है। अब ये लोग निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। योंग अपनी दोस्त जिन्ही को मैसेज करके ये सब बताता है। जिन्ही सबसे कहती है कि मेरा दोस्त यहाँ पर आ रहा है और उसके साथ कई सारे और लोग भी हैं, इसीलिए हमें कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोलना होगा। लेकिन वही मतलबी आदमी सबसे कहता है कि हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए क्योंकि उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हो गया होगा और उनकी वजह से हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे, इसीलिए ये आदमी दरवाजे को खोलने से मना कर देता है। सभी लोग इस आदमी की बात मानते हैं। यही वो ओल्ड लेडी भी इनके साथ थी, लेकिन वो दुखी होकर एक तरफ बैठी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी सिस्टर भी ज़ॉम्बी बन गई होंगी, मगर उनकी सिस्टर जिंदा थी और वो सियोक और बाकी सबके साथ थी। और अब जब ट्रेन टनल से होते हुए गुजरती है तो ये सब लोग आगे के कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। सियोक को कुछ सामान मिलता है, सियोक उस सामान को दूसरी तरफ फेंकता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उधर ही चले जाते हैं और ये सब नीचे उतर कर आगे जाने लगते हैं। लेकिन एक आदमी पीछे गिर जाता है, तभी ट्रेन टनल से बाहर निकल आती है। सब लोग तुरंत वहां छुप जाते हैं। सियोक और वो आदमी पीछे के कंपार्टमेंट में थे।
सेओक उस आदमी से कहता है कि भागो, और ये दोनों भागकर आगे के कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। संगवा दरवाजे को बंद करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और इधर वो दूसरे लोग भी अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा नहीं खोलते। सेओक संगवा की मदद के लिए पीछे जाता है। योंग इस दरवाजे को तोड़ने लगता है। इधर सेओक ज़ॉम्बीज को मारकर अंदर आने से रोक रहा था, तभी एक ज़ॉम्बी संगवा के काट लेता है। तभी योंग उस दरवाजे को तोड़ देता है। ये सब आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन वो आदमी यहाँ आने के एक और दरवाजे को बंद करने लगता है। सभी लोग उस आदमी का साथ दे रहे थे। तभी वो लेडी देखती है कि मेरी बहन उन्हीं के साथ है, और वो लेडी भी उनकी मदद के लिए आगे जाती है। जिन्हीं भी लोगों को रोक रही थी वो सबसे कहती है कि इन्हें अंदर आने दो। सुवान ये सब देखकर काफी डर जाती है और वहां रोने लगती है। संख्योंग अपने हस्बैंड संगवा की मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन संगवा उससे कहता है कि तुम पीछे ही रहो। संख्योंग ने देख लिया था कि उसके हस्बैंड को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और संगवा भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वो रोने लगती है। संगवा सेओक से कहता है कि मैं इन्हें रोकता हूँ और तुम मेरी वाइफ को लेकर आगे जाओ। सेओक संख्योंग और अपनी बेटी सुवान को लेकर आगे जाता है। तभी ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। संगवा उनसे फाइट करके उन्हें रोकता है, लेकिन फिर वो भी एक ज़ॉम्बी बनने लगता है। इधर सेओक योंग के साथ मिलकर उस दरवाजे को खोलता है, जिससे ये सभी लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हीं ओल्ड लेडी की सिस्टर पीछे रह जाती हैं और उन्हें भी ज़ॉम्बीज पकड़कर काट लेते हैं। सेओक तुरंत ही दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे ज़ॉम्बीज अब अंदर नहीं आ पाते। सेओक यहाँ आने के बाद सबसे पहले उसी आदमी को मारता है, क्योंकि अगर उसने दरवाजा नहीं रोका होता तो संगवा और वो ओल्ड लेडी दोनों बच जाते। सेओक उससे कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन अभी आदमी बाकी सबसे कहने लगता है कि ये आदमी भी इन्फेक्टेड हो चुका है और हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इन्हें बाहर निकाल दो। वही अटेंडेंट उस आदमी का साथ देता है और सबसे कहता है कि जो भी अभी अभी आए हैं वो लोग आगे के कंपार्टमेंट में चले जाओ, हम रिस्क नहीं ले सकते। अब ये सुनकर सेओक अपनी बेटी सुवान और संगवा की वाइफ संख्योंग के साथ आगे के कंपार्टमेंट में जाने लगता है। इनके साथ वही अजीब आदमी और योंग और उसकी गर्लफ्रेंड जिनी भी आगे के कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। इसके बाद बाकी सब उस कंपार्टमेंट के दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, ताकि सेओक या फिर बाकी सब में से कोई दोबारा यहाँ पर ना आ पाए। लेकिन फिर वही ओल्ड लेडी अपनी सिस्टर को देखती हैं, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये अपनी बहन के पास जाती हैं और इन सभी मतलबी लोगों को सजा देने के लिए उस दरवाजे को खोल देती हैं, जिससे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। वो ज़ॉम्बी सभी लोगों को काट कर ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद ये सब लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं, लेकिन वो मतलबी आदमी एक अटेंडेंट के साथ वॉशरूम में छुप गया था, जिससे वो बच जाता है। इधर सेओक और बाकी सब अगले कंपार्टमेंट में सेफ थे। यही कैप्टन दोबारा से कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कंट्रोल रूम से उनका कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। इधर सेओक की बेटी सुवान काफी डरी हुई थी, उसका आज बर्थडे था, इसीलिए सेओक उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम तक पहुँचा के रहूंगा। लेकिन अब तभी ये ट्रेन चलते चलते रुक जाती है, क्योंकि ट्रेन के ट्रैक पर दो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और अब आगे बढ़ने के लिए इन्हें ट्रेन बदलनी होगी। कैप्टन अनाउंसमेंट करते हैं कि जितने भी लोग जिंदा बचे हैं सभी लोग इस ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन में चढ़ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इसके बाद कैप्टन बाहर चले जाते हैं। ये सब लोग भी अब ट्रेन से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। यहां कैप्टन एक नई ट्रेन निकालकर उसे ट्रैक पर लगा देते हैं। इधर उसी मतलबी आदमी ने भी ये अनाउंसमेंट सुन ली थी, लेकिन वो देखता है कि बाहर अब भी ज़ॉम्बीज हैं, इसीलिए वो मतलबी आदमी ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने साथ छुपे उसी ट्रेन अटेंडेंट को बाहर धक्का दे देता है, जिससे ज़ॉम्बीज उसे खाने लगते हैं और वो बाहर निकल जाता है। यहीं ये सब लोग भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इन्हें दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं मिलता। इधर कैप्टन देखते हैं कि एक जलती हुई ट्रेन इनकी तरफ आ रही है और वो ट्रेन इनकी ट्रेन से टकरा जाती है, लेकिन किस्मत से सेओक और बाकी सबको कुछ भी नहीं होता। योंग और जिनी दोनों बच जाते हैं, लेकिन सेओक सुवान संख्योंग और वही आदमी ये चारों ट्रेन के बीच में फंस जाते हैं। इधर योंग जिनी के साथ ट्रेन के अंदर जाता है और दूसरे दरवाजे को खोलकर दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। योंग उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, उसका ग्लास बस टूटने ही वाला था, लेकिन तभी वही मतलबी आदमी यहाँ भागता हुआ आता है। उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा था और ये आदमी जिनी को ज़ॉम्बी के पास फेंक देता है। ज़ॉम्बी उसे काटने लगता है, योंग उसे बचाने जाता है। तभी ये मतलबी आदमी उस ग्लास को तोड़कर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ जिनी को भी अब ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और योंग के भी काट लेती है। इधर ये मतलबी आदमी ज़ॉम्बी से बचकर भागता हुआ कैप्टन के पास आ रहा था, उसके पीछे अब भी ज़ॉम्बी पड़े हुए थे और अब तभी वो नीचे गिर जाता है। कैप्टन उसे बचाने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन वो कैप्टन को ही अपनी शील्ड बना लेता है। ज़ॉम्बीज अब कैप्टन को भी काट लेते हैं। तभी ये आदमी उठकर भागता है और ट्रेन में आ जाता है। इधर सेओक और बाकी सभी दोनों ट्रेनों के बीच में फंसे हुए थे। तभी सेओक को एक रास्ता दिखता है, सेओक उस रास्ते से बाहर निकलता है और सुवान और संख्योंग को भी बाहर बुलाता है, लेकिन तभी कोई चीज टूटकर बीच में गिर जाती है और उस रास्ते को बंद कर देती है। अंदर ज़ॉम्बीज भी खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इन्हें मार सकें। तभी एक खिड़की का ग्लास टूट जाता है और ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं,
लेकिन इनके साथ वही आदमी मौजूद था जो कि अब अपनी जान सैक्रिफाइस करके उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने लगता है। इधर सियोक बाहर से उस चीज को हटाता है। सुआन और संक्योंग बाहर निकल आती हैं। तभी सारी खिड़कियां टूटती हैं और ज़ॉम्बीज़ बाहर आकर इस आदमी को भी मार देते हैं। ज़ॉम्बी सियोक और संक्योंग के पीछे पड़ जाते हैं। ये दोनों भागते हुए उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं जो कि बुसान की तरफ जा रही थी। लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज उस ट्रेन को पकड़ लेते हैं और बाकी ज़ॉम्बीज उन ज़ॉम्बीज को पकड़ने लगते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज की एक चैन बन जाती है और ट्रेन की स्पीड स्लो होने लगती है। सियोक उन ज़ॉम्बीज के हाथों पर मारता है जिससे उनके हाथ छूट जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन से अलग हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग सेफ हो जाते हैं। लेकिन तभी सियोक को कैप्टन की जगह पर वही मतलबी आदमी मिलता है, मगर उसे भी अब ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिस वजह से वो भी ज़ॉम्बी बनने लगा था। वो आदमी सियोक से कहता है कि मुझे कुछ मत करना, मेरी मॉम मेरा घर पर इंतजार कर रही है। ये आदमी सियोक को अपना एड्रेस बताता है और कहता है कि मुझे मेरे घर पहुंचा देना। लेकिन तभी ये आदमी भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और सियोक पर हमला कर देता है। सियोक उसे रोकता है, लेकिन इसी लड़ाई के दौरान वो आदमी सियोक के हाथ पर काट लेता है। सियोक खुद को एक चैन से बांधकर उस आदमी को नीचे फेंक देता है। सियोक चैन से बंधे होने की वजह से नीचे नहीं गिरता और बच जाता है। लेकिन सियोक को भी उस आदमी ने काट लिया था और अब सियोक भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। सियोक ये बात जानता था, इसलिए वो सुआन और संक्योंग को कैप्टन की जगह पर लाता है और ब्रेक लीवर दिखाकर उनसे कहता है कि जब तुम बुसान पहुंच जाओ तो इससे ट्रेन को रोक देना। सुआन अपने डैड को खोने की वजह से काफी दुखी थी। वो अपने डैड से कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन सियोक उसे समझाता है और फिर भागकर बाहर चला जाता है। सियोक भी काफी दुखी था, उसे वो पल याद आ रहे थे जब उसने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया था। इधर सुआन भी चीख चीख कर रो रही थी। संक्योंग उसे संभालती है। तभी सियोक भी एक ज़ॉम्बी बनने लगता है, इसीलिए वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है। अब कुछ समय बीतता है, सुआन और संक्योंग ने खुद को संभाल लिया था। ये दोनों बुसान तक पहुंच जाती हैं, इसीलिए ये लोग ट्रेन को रोककर टनल के दूसरी तरफ जाने लगती हैं। लेकिन इस तरफ कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे जो कि उन दोनों को आता हुआ देखकर उन्हें ज़ॉम्बी समझने लगते हैं। एक ऑफिसर उन्हें शूट करने वाला था। तभी उसके कानों में सुआन की गाना गाने की आवाज आती है। सुआन वो गाना अपने डैड को याद करते हुए गा रही थी, लेकिन इससे ऑफिसर्स जान जाते हैं कि ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। जिसके बाद ऑफिसर्स इनके पास आते हैं और आखिरकार सुआन और संक्योंग दोनों बच जाती हैं। इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।